यूनुस भाई कहाँ हो? अरे यूनुस भाई शूट की तैयारी में है। बिल्कुल बहुत बड़े यूनुस भाई, ये हमारे आशन भाई जो कि हमारे हेयर स्टाइलिस्ट हैं पूरी टीम में। ब्लॉग से जुड़े लेना है आप लोगों को, और हम आगे क्या क्या कर रहे हैं हम सब बताएंगे। ठीक है, मौसम बहुत प्यारा हो रहा है यहाँ पे, धूप निकल रही है अभी भी। और ये मेरे यार दोस्त खड़े हुए ऊपर शूट कर रहे हैं। दादा चलते तो मस्त, दादा हिलते तो मस्त, दादा ये चलते तो मस्त, ये है मान फिर से बोलो। बहुत कर रहे हो रहे हैं लड़ने नंगे पंगे। गाइस मैं जरा सो गया था गाइस, अभी उठ आ रहा हूँ, मेरा फोटो ना खींच रहा है। ए बाबा थोड़ा बैठ के लिए आ गया। अब ये केक कटिंग के लिए भाई साहब टेबल आती हुई, बर्थडे का सेलिब्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तारी भाई थक गए हैं जी भाई। भाई बहुत मेहनत लगती है लेकिन अपने यार के लिए टेबल कैसे उखाड़ के लेके जा सकते हैं मेरे को। बिल्कुल यार, वो क्या कह रहा हूँ स्पीकर का देखो सीन यार ऑन हो गया। बर्थडे बॉय का केक आ गया यहाँ पर, और यहाँ बर्थडे बॉय का शूट चल रहा है भाई, बहुत तगड़ा शूट चल रहा है बर्थडे बॉय का। फाइनली अब केक कटने जा रहा है, सब लोग रेडी हो गए हैं। चलो भाई बाबा पैसा आधा दूंगा भाई, लो काट भाई केक, ना ना करो पूरा ब्लॉग बना लो तू आराम से। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, करे स्टार्ट। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आरे, हैप्पी बर्थडे छोटा बच्चा, हैप्पी बर्थडे चुस्ते। काफी अच्छा व्यू लग रहा है, और ठंड भी काफी बढ़ गई है, गलन हो रही है, और इधर चाय चल रही है। चाय क्या चल रहा है यहाँ पर? टी। हेलो गाइस चाय पी लो। चाय और ये 25 रुपए की चाय है यहाँ पे। मैं आपको एक शायरी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी जी हमारे चुबर है, हमारे यहाँ फेमस चाय वाले हैं, चाय सानू हबीब चाय वाला जी, उनके बोर्ड पे लिखा हुआ होता है चाय का वक्त हर वक्त होता है। अच्छा चाय का कोई वक्त नहीं है इसका मतलब? चाय का वक्त हमने सबसे खा लिया। हां भाई आका तो और इसके अंदर चाय की क्या अपडेट देना चाहते हो आका? चाय ओके, और सैंडविच की पच्चीस रुपए का अंदर बहुत चीज। अरे आका पच्चीस रुपए रिजोर्ट वाले सैंडविच के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सैंडविच मैं तुम आओ पीछे कैमरा लेके, कैमरा लेकर पीछे से मैं आ रही हूँ उसके सिर में कप मारने। 2 घंटे तो यहाँ पे बॉन फायर की तैयारी चल रही है। गिरे ये ब्लॉगर गिर गया। और यार शूट चल लिया नाइट में भी, ये नहीं माननी आग पर नहीं माननी शूट नहीं कर रहा यार रात में भी। भाई साहब क्या कर रहा है? हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता दे उस पे लगा दिया, ऐसा क्या हुआ जो अकबर पे मार पकड़ दी गई? वन फायर की तैयारी चल रही है, यहाँ भैया तैयार कर रहे हैं लकड़ियों को जला रहे हैं। चल रहा है लकड़ी की तोड़फोड़ चल रही है अभी। ये नाम इनका सदीक है। और ये इंतजार करते हुए हाथ तापने के लिए। अरे जलान दे यार उधर चल। तो ये बॉन फायर स्टार्ट हो गया है, कुर्सी भी चढ़ाई हो रही है यहाँ बैठने के पीछे। जंगलों में है, जंगलों में चल रहा है पापा बैठे हैं यार, मजा आ रहा है। मिल जाएगा टाइगर है, टाइगर गाइस हमने। हां भाई क्या जल्दी आई? अरे ये अंधा हो गया तू क्या? दिल्ली की आग जल रही है ना? अरे वो डाले मुंडे आएंगे मुंडे, ये आग नहीं है बोन फायर है, बोन फायर। कितने रुपए का ये? 500 रुपए की ये लकड़ी, कुल चार लकड़ी है 500 रुपए की। इस पे लगा दिए 500 में लगा दिया। आगा भाई अभी भाई
नहीं बैठ जा जिस कदर ये रूम दिखते हैं और ये बैठे हुए हाथ आप रहे वहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छी लाइटिंग दे रखी है रूम में बहुत कुछ है केक रखे हुए हैं केक खाए हमने खाना बन रहा है खाने की वीडियो में तुम्हें आके दिखाऊंगा पहले रूम दिखा देता हूँ आपको ठंड बहुत हो रही है यहाँ पे खाना रेडी हो गया है हम रेस्टोरेंट में आ रहे हैं यहीं पे छोटा सा रेस्टोरेंट एक 11 सवा नंबर छोटा सा खाना रेडी हो गया भाई ना सब लोग खाना खा रहे हैं बहुत शानदार खाना है बच्चे की कमी खल रही है बैठ जाओ बैठ के खा लो भाई चलो भाई जैसा कि आपने देखा था अभी कि खाना खा रहे थे खाना खा लिया है और थोड़ा टहलेंगे घूमेंगे फिर उसके बाद अपने सो जाएंगे रात को फिर सुबह मिलेंगे गाइस और ठंड इस टाइम सो गाइस हम लोग उठ चुके हैं सुबह के बज रहे हैं 7 जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आपको व्यू दिखाता हूँ अभी सामने का ये देखिए गाइस ये देखें गाइस बिल्कुल चुड़ियों की आवाज़ आ रही है बहुत मीठी सुरीली और गाइस हम थोड़ी लेट हो गए सुबह कोयल की भी आवाज़ आ रही थी यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये देखिए क्या ये क्या कर रहे हैं भाई आप ये जैकेट पहन के कौन पुशअप मारता है यार मैं जरा ये जूते वूते पहन के कौन पुशअप मारता है अभी यार भाल नहीं गए थे हम घूम गए वहां तक भेड़ों में रहने वालों हो तुम भेड़ों में कभी सोच रहे हो ये देखिए गाइस ताल दिखाएं हम आपको माँ देखिए जल मुर्गा ही टहल रही है गाइस कहाँ है वहगी दिख गई देखिए आवाज सुनिए आप चिड़िया की ओ ये देखिए आकर ने एंट्री मार दी हमारे ये देखिए सामने से आ रहे हैं बिल्कुल ये देखिए आप क्या वो आका होगा क्या तैयार ठंड हो रही है जा अरे यार नहाओगे नहीं क्या अरे नहीं हमारे बस की अरे नहीं है यार ये वाली बात मत करो वो कहाँ है यूनुस बाबा सो ही रहेंगे अभी अरे गाइस हमारे ब्लॉगर साहब सो रहे हैं हम आपको दिखाते हैं ब्लॉगर साहब कितने ऐदी आदमी हैं अब हम आपको दिखाते हैं ये देखिए गाइस ये देखिए ब्लॉगर साहब ओ यूनुस साहब अरे तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कितने ऐदी हैं ब्लॉगर साहब हमारे ओए ए अरे उठो यार अरे देखो अरे व्यू देखो यार आप ये कौन सी बात हो रही है गाइस इनका वो सब हटा दिया हमने ए ये नहीं होगा जल्दी उठो यार जल्दी उठो ऐसे नहीं होता ये नहीं होगा जल्दी उठो गाइस ए यार ये उड़े उड़े आप ही ऐसा करोगे तो हमारे व्यूअर्स को क्या असर पड़ेगा यार दिखाओ व्यू दिखा दो गाइस व्यूअर साहब यूनुस साहब कह रहे हैं व्यू दिखाओ तो गाइस मिलते हैं अभी हम आपको तैयार होने के बाद सो गाइस अलविदा सो गाइस हम आपको एक चीज दिखाते हैं हमारे ब्लॉगर साहब तैयार हो रहे हैं हम आपको दिखाते हैं उन्हें कितना टाइम लगता है एक बंदा लगता है हमारे ब्लॉगर साहब को तैयार होने में हम आपको दिखाते हैं अभी दिखाते हैं तो भाई ये देख सकते हैं आप ये देखिए हमारे ब्लॉगर साहब को एक आदमी लगता है तैयार होने में खुद से तैयार हुआ नहीं जाता बहुत बड़े बड़े बाल कर रखे इन्होंने ब्लॉगर साहब यूनुस बाबा है हमारे भाई ये आरिस भाई इनके बाल पे ड्राई क्लीन मारते हुए ड्रायर मारते हुए सॉरी ये देखिए विक्ट्री विक्ट्री का चुनाव दिखाते हुए चीन हमारे बाबा विक्ट्री होगी इंशाल्लाह हमारी ब्लॉग पे गाइस आप लोगों को करना है ये विक्ट्री आपको दिखाते हैं बाबा तैयार हो जाएंगे उसके बाद का सीन आपको हम दिखाते हैं कि बाबा हमारे कैसे लगते हैं तैयार हो गए तो मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद तो गाइस आप देख ये हमारे यूनुस बाबा ब्लॉगर साहब तैयार होकर आ रहे हैं ये देखिए आप इनको एक पूरा पर्सनल बंदा लगता है तैयार होने में ये देखिए मुस्कुरा भी रहे हैं ये देखिए पता नहीं कहाँ जा रहे हैं क्या करके मानेंगे ये ब्लॉगर साहब आगे का कुछ प्लान है आगे का प्लान ये है हम जाएंगे अभी निकलेंगे यहाँ से निकलने का वक्त हो गया है अब हम तुम चलते हैं हम तुम्हें रास्ते में दिखाएंगे थोड़े अच्छे अच्छे व्यू जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे
पहाड़ों में ये फ़ायदा होता है कि धूप सुबह निकल आती है, बिल्कुल बिल्कुल सुबह धूप निकल आती है, बहुत प्यारा मौसम हो जाता है सुबह का यहाँ पर। तो चलो चलते हैं, सामान पैक करते हैं। रिसेप्शन एरिया है इसका, और आरिफ भाई पैसे देते हुए भैया को, और फाइनल कर रहे हैं हम, चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। आगा ने सारा सामान ले लिया है, चलो चलते हैं फिर। चार्जर उठाया इसका था। तो दोस्तों चलते हैं अब अपनी कार के पास, कार खड़ी है पार्किंग एरिया में। चाबी दे दी। जैसे कि आप व्यू देख सकते हैं पीछे कितना प्यारा हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कार ये खड़ी है, धूप देखिए कितनी तेज निकल रही है यहाँ पे। और ये हमारे भाई गाड़ी साफ करते हुए, तारिश भाई ऑनर ऑफ होंडा सिटी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत प्यारा इस गेट है, बहुत प्यारा। इसमें चलो गाड़ी में रख दिया सामान, चलते हैं। हम कार में बैठ गए हैं, आश्रम भाई गाड़ी चलाते हुए, तारी भाई पीछे बैठे हैं। जी तारी भाई। जी भाई। तो कहाँ चल रहे हैं अब? बस आगे एक बेहतरीन सा रेस्टोरेंट देखते हैं, उसमें कुछ आपको नाश्ता पानी करा। शीशा साफ नहीं करा वो, मार पानी मार। भाई सूरज देखी तो खतरनाक निकल लिया, भाई पर भी खराब है। सबसे ज़्यादा टफ चढ़ाई है इस रोड की, जैसे कि आप देख रहे हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने घर। बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ पे भाई साहब, आते ही गदर होने लगा यहाँ पे। ये जलवा है हमारा ब्लॉगर साहब का जलवा, ये ट्रैफिक नहीं है जलवा, भीड़ लगती है, भीड़ भाई को देखने के लिए। अरे साथिया को दिखा देता, साथिया पीछे रह गया, अपना मार लिया। लो भाई फाइनली हम घर पहुंच गए, उतरते हैं। गाड़ी कर दिया पार्क और वहाँ निकालेंगे स्कूटी। जी भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, थोड़ा जोर से बोलिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। गाड़ी साइड में लाओ, निकल लो नहा लिया आगे।